आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियां तारिक और शिराज अहमद ने रॉयल न्यूज से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की है। जानते हैं चीफ रिपोर्टर हशाम भट्ट की इस रिपोर्ट में। ईद मिलाद नबी के प्यारे और खूबसूरत दिन की आमद है और इस हवाले से हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शिराज असलम और साबका डिप्टी मेयर लाहौर मियां तारिक। इनसे जानते हैं कि ये ईद मिलाद नबी का खूबसूरत और प्यारा दिन, इसकी खुशियां किस तरह मनाते हैं, जी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे लिए जो है ना, ये जश्न ईद मिलाद नबी का दिन है, ये हमारे लिए ईदों की भी ईद है और इस दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश और खुशियों से मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, माशाल्लाह ये सेटअप हमने लगाया है, मेरे वाले साहब असलम पहलवान तकरीबन कोई 20 से 25 साल से सेटअप को हम लगा रहे हैं और ये चीज़ देख के लोगों के ईमान ताज़ा हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 11, 12, 13 और इन तीनों दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा में जो है लंगर का भी भरपूर एहतमाम किया जाता है। जी मियाँ साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असलम पहलवान और इनके जो शिराज असलम और बाकी जो बच्चे हैं, ये मिलकर ये सेटअप लगाते हैं जिसमें अल्लाह ताला का घर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक और फिर उसके बाद अपने इलाके के लोगों के लिए यहाँ पर कतलमे का इत्माम करते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद ये कतलमा बांटना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि हज़ारों लोग जो हैं जिनके घरों में ये सादत होगी कि वो कतलमा खाएंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम का। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। ये दुनिया में जो लोग अल्लाह के घर नहीं जा सकते, नबी के रोज़े को नहीं देख सकते, वो यहाँ आकर अपने दिल को ये बहलावा तो देते हैं ना, ये तसल्ली करते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को यहाँ देख रहे हैं, वह भी हमें अल्लाह लेकर जाएगा। जी जैसा कि शिराज और मियाँ तारिक साहब ने बताया है कि ईद मिलाद नबी का दिन ईद से भी बढ़कर खुशी वाला दिन होता है और एक मुसलमान होने की हैसियत से ये जो दिन है मुसलमान उम्मत बड़े जोश व जज्बे के साथ पुरअज़म तरीके से मनाते हैं और हर साल बल्कि 20-25 साल से लगातार शिराज असलम और इनके वालिद साहब ईद मिलाद नबी वाले दिन के ऊपर लंगर का भी इख्तिमाम करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ हशाम भट्ट, रॉयल न्यूज़ लाहौर। ज़िला इंतज़ामिया कानेवाल के ज़ेर एहतमाम DC दफ्तर के सब्ज़ाज़ार में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, रिपोर्ट करेंगे सलाहुद्दीन मिर्ज़ा। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से DC ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में जो है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मेलाद मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम अफसरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की है। मतलब बात करें डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फिर बताइएगा। जी, सीरत कॉन्फ्रेंस का आज हमने यहाँ पे एहतमाम किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस भी थी, लेकिन हसब साबिक यहाँ पे DC ऑफिस में पहले भी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनका होता था। आज हमने ये तकरीब मुनक़द की जिसमें पीस कमेटी के मेम्बरान और दीगर यहाँ पे हाज़रीन काफ़ी तादाद में शरीक हुए और सरकार ने पाकिस्तान वसल्लम की शान अक़दस में यहाँ पर नातखानी भी हुई और किरत का जो है वो उसका भी एहतमाम किया गया और पैगाम यही दिया गया है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लम की तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे और इसके साथ साथ जो जहाँ कहीं भी शान रिसालत में गुस्ताखी हो रही है उसको हम सब ने कंडेम किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके जो इस तरह के नापाक अज़ायम उनको नेस्तो नाबूद करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू का यही कहना था कि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी, सोना आया ते सजगे ने गलियां बाजार, अजीज भट्टी टाउन के इलाके कलंदरपुरा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे इंतज़ामिया के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि जश्न ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में यह बाज़ार सजाते हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो सारा साल जो मेहनत करते हैं और इस एक दिन के लिए वो उनका जोश और जज्बा कैसा है। तो जी बताइएगा कि जो आपने ये बाज़ार सजाया है तो इसका जोश और जज्बा क्या है और क्या मोहब्बत है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम ये पूरा साल अब इस बाज़ार से पैसे इकट्ठे करते हैं, हम पूरा साल मेहनत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी में हम ये बाज़ार सजा के सब भाई मिल के मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके हम ये बाज़ार सजाते हैं सिर्फ इस खुशी में, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में।
क्योंकि सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार। जी बहुत शुक्रिया जी। सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, कलंदरपुरा मेन बाजार हरबंसपुरा के करीब ये इलाका है। तो कैमरामैन शफीक हाशमी के साथ मुश्ताक अंसारी, कलंदरपुरा मेन बाजार, रॉयल न्यूज लाहौर। सरगोधा के नवाही इलाके थाना पुलरवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाहौर की यूनिवर्सिटीज और बड़े तालीमी इदारों में तलबा को फरोख्त के लिए ले जाई जाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की ड्रग आइस बरामद कर ली, खातून और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करेंगे चौधरी रहमान जुनेद। डीबीओ फैसल गुजार के हिदायत जिला के दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करते हुए SHO थाना पुलरवान जिशान इकबाल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसफ वगैरह पर मुश्तमिल टीम के हमरा सालम इंटरचेंज पर नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए क्वेटा के रैशी मुलजमान अब्दुल्ला और मुसम्मात अमारा अनवर के कब्जा से करोड़ों रुपये मलियत की 5 किलो डर्ग आइस बरामद कर ली। ये मंशियात क्वेटा से समकल करके लाए थे, जो कि लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटियों और दीगर तलीमी अदारों में फरोख्त करना थी। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनेद, रॉयल न्यूज़। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में म्यूनसिपल कमेटी और अंजमन मोहब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कोट अद्दू शहर और तमाम सरकारी इमारतें बरकी कुमकुमों और लाइटों से सजा दी गई हैं और दावत इस्लामी के मदनी मरकज को भी सजा दिया गया है। कसूर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मशहूर जमाना मनुष्यात फरोश जुबैर उर्फ बैटरी के कब्जे से 5 अदद बड़ी बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया है। मुलजिम के कब्जे से 5 अदद बोतलें बरामद कर ली गई हैं। DPO इमरान किश्वर, SDPO याकूब आवान की जेर निगरानी SHO थाना A डिवीजन इफ्तखार जोया ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और मशहूर जमाना मनशियात फरोश जुबैर उर्फ बैटरी के कब्जे से 5 अदद बड़ी बोतलें शराब की बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। मुलजिम के कब्जे से 5 बड़ी बोतलें शराब की बरामद हुई हैं। कसूर से खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर DPO इमरान किश्वर, SDPO याकूब आवान की जेर निगरानी SHO थाना A डिवीजन इफ्तखार जोया ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और मशहूर जमाना मनशियात फरोश जुबैर उर्फ बैटरी के कब्जे से 5 अदद बड़ी शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद किसी भी खबर की अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv। Thank you.